प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने और 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल नहीं होंगी, उन्होंने मंगलवार को ही इनकार कर दिया। तृणमूल प्रमुख ममता के अलावा इस बैठक में टीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनके बेटे और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव बैठक में शामिल होंगे। मोदी ने 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को बैठक के साथ रात्रि भोज का आमंत्रण दिया है। ममता ने कहा सरकार पहले श्वेत पत्र तैयार करे। ममता ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर जल्दबाजी न करने और श्वेत पत्र तैयार करने की बात कही है, ताकि सभी प्रमुख नेता श्वेत पत्र पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसके लिए सभी को पर्याप्त समय भी देना चाहिए। ममता ने यह भी कहा कि अगर आप मोदी ऐसा करते हैं तभी हम सब इस विषय पर अपने सुझाव दे सकेंगे। पहली बैठक में पार्टी लाइन तोड़कर 6 दलों के नेता शामिल हुए थे। इससे पहले मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ने 16 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें पार्टी लाइन को तोड़कर वाईएसआर कांग्रेस नेता वी विजयसाई रेड्डी, तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राकांपा की सुप्रिया सुले, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, आपसे संजय सिंह और तेदेपा के नेता जयदेव गला भी बैठक में पहुंचे थे। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।